और हो सकता है आपसे यही पूछेगा कि इस कीबोर्ड का क्या नाम है। इसका मैं फर्स्ट पार्ट बना चुका था इस वीडियो का, तो यार कुछ लोगों को मतलब कि उसमें समझ नहीं आया था यार, हो सकता है इसमें मतलब कि अपडेट आ गया हो तो यार इसको सही से लोग सेट नहीं कर पा रहे हैं। मैं काफ़ी ईजिली उसमें बताया था कि भाई इस टाइप से इसको सेट करना है, तब भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं यार। इसमें आपको काफ़ी अच्छे टाइप से और बताऊंगा जिससे आपका ये कीबोर्ड सेट हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मेन चीज़ है सेट करना। इस कीबोर्ड को अगर सेट नहीं कर पाओगे ना तो ये कीबोर्ड समझ लो खाली डब्बा है बस। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फाइटिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में फ्रेंड्स आ जाना है। प्ले स्टोर में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको कस्टम कीबोर्ड सर्च कराना है आपका। देखिए ये रहा कस्टम कीबोर्ड, सॉरी फ्रेंड्स आपका, फ्रेंड्स ये देखिए ये रहा कस्टम कीबोर्ड, यही वाला आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको और कोई नहीं करना है ठीक। और ये प्रीमियम नहीं है, बिल्कुल फ्री, इसमें कोई आपको पैसा वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं प्रीमियम वाला कोई एप्लीकेशन नहीं बताता हूँ, टोटल आपको फ्री बताता हूँ ठीक है। कर देना आप, देखिए यहाँ पर खाली डब्बा है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो वर्ड है सबसे पहले इसको रिमूव कर देने हैं, तो किसी एक वर्ड पर आपको क्लिक करना है और रिमूव का ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये देखिए इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर लिखा है रिमूव ग्रुप, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो इस कलर के जो भी मतलब कि यहाँ पे वर्ड होंगे सारे यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले इसको रिमूव करना है, उसके बाद यहाँ पे फैंसी वर्ड ऐड करने हैं। तो हमें इस येलो वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें रिमूव और रिमूव ग्रुप, तो यहाँ पर ये देखिए ये सब रिमूव हो गए। तो हमें इस वाले पर क्लिक करना है और क्या बोलते हैं फिर से हमको रिमूव कर देना है, इसको भी वैसे रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे टोटली ये रिमूव हो गया। अब क्या करें, डिस्क्रिप्शन में आपको जो वर्ड मिल जाएंगे स्टाइलिश तो वो कॉपी कर लीजिएगा। मैं सबसे पहले आपको वर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे वर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ना, सेम देखिए सबसे पहले इमोजी देखिए 10 इमोजी है ठीक है। सबसे पहले आपको 10 इमोजी ऊपर सेट करने हैं, उसके बाद नीचे वर्ड 10 सेट करने, उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे जो वर्ड है वो भी आपको 10 यहाँ पे मतलब कि सेट करने हैं ठीक है। तो ये जो कीबोर्ड आपको दिख रहा है ना ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है, देखिए यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं। ऊपर देखिए 10 ऊपर इमोजी दिख रहे हैं और 10 यहाँ पे देखिए वर्ड दिख रहे हैं, QWERTY यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे जो स्मोकिंग वाला जो सिगरेट दिखी ठीक है उसके आगे जो लाइनिंग दिखी यहाँ पे 10 वर्ड है ठीक है। तो यहाँ पे भी 10 है, एंड वाले में भी 10 है ठीक है। तो ऐसे इस कीबोर्ड को सेट करना है जैसा कि मैंने इस कीबोर्ड को सेट किया है। तो देखिए मैंने सारे यहाँ पे मतलब कि वर्ड रिमूव कर दिए थे, तो मैंने कीबोर्ड को सेट कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल कुछ वर्ड यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन से मतलब कि वर्ड को कॉपी कर लेना है। कॉपी कैसे करना है अभी मैं इसको सेट कर लूँगा, उसके बाद आपको बता दूँगा कैसे वहाँ डिस्क्रिप्शन से आपको कॉपी करना है। तो सबसे पहले आपको ठीक है यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे इमोजी को ये लिया ठीक, लेने के बाद मैं आ गया इसमें उसी कीबोर्ड के अंदर, और यहाँ पर जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर सर्च का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहीं पर इमोजी पेस्ट कर देना है। फिर क्या करना है, यहाँ पर देखिए एरो यहाँ पर दिख रहा होगा राइट में, देखिए कटआउट के जहाँ पे कट वाला ऑप्शन उसके साइड में ठीक। तो मैंने यहाँ से इसको सर्च करा दिया, देखिए जैसा मैंने सर्च कराया यहाँ पे देखिए यहाँ पे तितली आ गई, तो मैंने ऐड टू कीबोर्ड कर दिया, तो हमारी ये देखिए ऐड हो जाएगी जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गई ना ऐसे, फिर आ जाना आपको, फिर यहाँ पर आपको कोई सा भी यहाँ पर ले लेना है इमोजी, ज़रूरी नहीं कि यही वाला इमोजी आप सेट करो, कोई सा भी ले सकते हो। तो मैंने दूसरा यहाँ पे सर्च करा दिया, ये देखिए आ गया, तो मैंने ऐसे ही इसको ऐड टू कीबोर्ड कर लिया। फिर यहाँ पे मैं तीसरा यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ, सेम आपको ऐसे ही कॉपी करना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप स्किप करके देख रहे हो तब तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए ठीक। तो हमारा ये तीसरा भी यहाँ पर ये सेव हो गया, मैं ऐसे ऐसे करके सेव करूँगा ना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे ठीक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने वर्ड को मतलब कि सेव कर लिया, जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया था वैसे वैसे मैंने यहाँ पे वर्ड को सेव कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, सबसे पहले मैं सेट करा लेता हूँ इसको। तो देखिए ये रहा कीबोर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पर वर्ड को सेव कर लिया, क्योंकि मैं एक एक करके दिखाया था ना, तो भाई जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया जैसा जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया सेम आपको वैसे ही करना, ऊपर 10 करना है उसके बाद आपको नीचे 10 करना है उसके बाद 10 करना है ठीक। तो आपका ये सही तरीका ये देखिए, ऊपर देखिए 10 इमोजी दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है 10 इमोजी ओके ठीक है। अब इस टाइप का आपको अगर शो हो रहा है ठीक है, अगर आपका मतलब कि गड़बड़ है ऊपर
10 की जगह वहाँ पर 9 इमोजी दिख रहे हैं, तो इसको सेट कैसे करना है वो आपको आप देख लीजिए फ्रेंड्स। तो हमें आ जाना है यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं उस पर क्लिक करना है और सेटिंग पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए लिखा बटन पर रो, ठीक है, यहाँ पे आपको 35 यहाँ पे रखना है, ठीक। तो मैं 35 क्या करता हूँ, इसको यार यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। 35 यहाँ पे हो गया। अब नीचे क्या करना है, यहाँ पे बटन जो हाइट यहाँ पे आपको रख देनी है 45 रख देनी है, ठीक है, यहाँ आपको 45 कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे कर देना है 5 की जगह 7, ठीक है, 7 कर देना है। यहाँ पे तो फिलहाल 4 ही रहेगा। और यहाँ पे जो लिखा है सेट बटन विथ, ठीक है, इसको ऑन कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये सेटिंग हो गई, ये मेन सेटिंग है इसकी फ्रेंड्स। देखिए मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, तो ये टोटल यहाँ पे ये सेटिंग हमारी सेव हो गई होगी, ठीक, आई थिंक सेव हो गई, ठीक सेटिंग। तो हम कीबोर्ड को क्या करते हैं, फिर से चेंज कर लेते हैं। अब देखिए हमारी कीबोर्ड की जो परफेक्ट यहाँ पे जो हाइट है ना सेट हो गई है। ऊपर देखिए 10 इमोजी एकदम अच्छे टाइप से सेट हो गए हैं, जैसे कि हमारे बाकी कीबोर्ड वगैरह में मतलब कि ऊपर 10 इमोजी होते हैं। और QWERTY जो वर्ड की देखिए यहाँ पे एकदम सेट हो गई है प्रॉपर टाइप से, जैसा कि मैंने बताया है। आपको यही सेटिंग करनी है जैसा कि मैं आपको बताया हूँ। ऊपर 35 कर लेना, नीचे 45 पे, यहाँ पे नीचे 7 कर देना, फिर 4 कर देना, यही सेटिंग करनी है। मेरे फ़ोन का एंड्रॉइड वर्जन 10 है, ठीक। तो आपका किसी भी फ़ोन का वर्ज़न कुछ भी हो, ठीक, तो फिलहाल यार ये जो सेटिंग है ना बिल्कुल आप कर लीजिएगा, आपके फ़ोन में 100% ये सेट हो जाएगी सेटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको आपको टाइप करने में। या फिर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है मुझे मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पर, या फिर FB पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। देखिए फ्रेंड्स ये रहा वो वीडियो, इसका मैं ये सेकंड पार्ट बना रहा हूँ क्योंकि इसमें यार कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से ये वर्ड को कॉपी कैसे करना है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे जो वर्ड इस टाइप से आपको इस वीडियो में मिलेंगे, ठीक, जब मैं ये वीडियो डालूँगा, ठीक है, इस टाइप से ये वर्ड आपको मिलेंगे। तो कॉपी कैसे करना है, एक एप्लीकेशन आता है यूनिवर्सल ऐप, ठीक, तो उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जैसा मैं कॉपी कर रहा हूँ सेम आपको वैसे कॉपी करना है, ऐसे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सल कॉपी, इस पर क्लिक कर देना है। आपका ये ऑटोमेटिक मतलब यहाँ पे ये देखिए कॉपी हो जाएगा, जो भी जितना आप कॉपी करना चाहो कॉपी कर सकते हो। तो मैं इसको देखिए इतना ही कॉपी कर लिया वर्ड को, यहाँ से ये कॉपी हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो इसको कैसे कॉपी करते हैं उसका मैं वीडियो बनाया हूँ, बस 2 मिनट का वीडियो, वो आप पॉज कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डिस्क्रिप्शन कॉपी करने में। तो यार मिलता हूँ फ्रेंड्स अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय, टेक केयर।